डिड यू नो भाभी टू को कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर इंडस्ट्री में आ गई। सो गाइस आज यानी कि 23 फरवरी को है तृप्ति डिमरी भाभी टू का बर्थडे, तो इसी मौके पर आज चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वेल गाइस बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। संदीप रेड्डीवांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल में अपने छोटे से रोल से एक्ट्रेस ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली और इस फिल्म ने तृप्ति को तो रात स्टार बना दिया, यहाँ तक कि नेशनल क्रश भी उनको टैग दे दिया गया। वहीं सबके बीच फैंस ने तृप्ति डिमरी को नेशनल क्रश का भी टैग दे दिया और सभी लोग उन्हें क्रश मानते हैं। वेल वहीं 23 फरवरी को तृप्ति डिमरी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, तो चलिए इस खास मौके पर जानते हैं एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। एनिमल के बाद एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त तरीके से इजाफा देखने को मिला। फिल्म में उनके किरदार की जमकर तारीफ भी हुई और अब भले ही वो एक बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाती हूं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उन्हें कभी भी एक्टिंग में इंटरेस्ट था ही नहीं, उसमें दिलचस्पी थी ही नहीं। तृप्ति एक टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी और इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में किया था और उन्होंने कहा था कि एक टाइम पर वो टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो वहीं जब एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में आने का फैसला किया था तब उनकी फैमिली भी इसके खिलाफ थी। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपना घर छोड़ दिया और अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई आ पहुंची। तो वहीं यहां आने के कुछ साल तक स्ट्रगल करने के बाद तृप्ति को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। तो वहीं साल 2017 में पोस्टर बॉयज से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली तृप्ति डिमरी ने कला, बुलबुल और लैला मजनू में अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से वाहवाही भी लूट चुकी हैं। बुलबुल के लिए उन्हें फिल्मफेयर ओटीटी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था लेकिन उन्हें असली पहचान एनिमल से मिली। तो वहीं बहुत कम लोग ये भी जानते हैं बॉलीवुड में आने से पहले तृप्ति यूट्यूब के एक कॉमेडी स्केचर्स में एक्टिंग करती थी। वेल उनका एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जहां उन्होंने प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग का फीमेल वर्जन रिक्रिएट किया था। वेल गाइस इफ तृप्ति डिमरी भी आपकी क्रश हैं तो फिर आप उन्हें उनके बर्थडे में क्या मैसेज भेजना चाहोगे हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।